हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। आज मैं जाने वाली हूँ सूर्य मंदिर, तो वहाँ जाने के लिए मैं हो रही हूँ रेडी। वैसे मैं जस्ट नहा के निकली हूँ और जाना था सूर्य मंदिर। आज का प्लान बन गया अचानक से, तो फिर मैं जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। देखो मैं कैसे कैसे रेडी हो रही हूँ। ज़्यादा कुछ हाई फाई करने वाली नहीं हूँ, बस आईब्रो पेंसिल, काजल, लिपस्टिक और कुछ भी नहीं। तो फटाफट से मैं तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद मैं आप सभी को भी दर्शन कराऊँगी हमारे यहाँ जो सूर्य मंदिर है, डाल्टनगंज चेयरमैन रोड में है सूर्य मंदिर। और यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, घूमने लायक है मंदिर। वहाँ पे सिर्फ सूर्य भगवान जी का ही मूर्ति नहीं है, बल्कि वहाँ पे सूर्य भगवान का एक मंदिर है और देवी माँ का भी मंदिर है बगल में, और शिवलिंग ये सब भी है। मतलब दो तीन मंदिर अगल बगल, मतलब एक ही ग्राउंड में बहुत सारा मंदिर बना हुआ है। और मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत ही आस्था है। छठ पर्व में वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है, तो आज मैं वहीं जाने वाली हूँ। वैसे सूर्य मंदिर में आप जो भी मन्नत मांगो वो पूरा होता है, इसलिए जो भी जाना चाहते हैं वो लोग जा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैं जस्ट नहा के निकली हूँ और मैं तैयार हो रही हूँ। मेरे बाल भी बिल्कुल गीले हैं, क्योंकि मंदिर जाना था तो ऐसे तो जाएंगे नहीं, तो बाल को भी मैंने वॉश कर लिया है। और मैं गई थी संडे के दिन ही मंदिर गई थी, क्योंकि रविवार के दिन ही सूर्य भगवान का पूजा किया जाता है और मंदिर में संडे को बहुत भीड़ भी होता है, क्योंकि सूर्य भगवान का पूजा संडे के दिन ज़्यादा लोग करते हैं, मंदिर जाते हैं। तो मैं गई थी अपनी मम्मी भाभी के साथ गई थी। बहुत ज़्यादा धूप था बट फिर भी गए थे। बहुत अच्छा लगा वहाँ जाने के बाद। तो आज मैं कौन सा ड्रेस पहनूंगी, यहाँ पे मैंने निकाला है ना ब्लू कलर का साड़ी। वैसे मैं इसलिए ये वाला साड़ी निकाली क्योंकि ये थोड़ा सा सिंपल भी है और ज़्यादा भारी नहीं लगता ये, इसलिए। और गर्मी का टाइम है ना, तो भारी भरकम साड़ी मैं संभाल नहीं पाती, इसलिए मैंने सिंपल सा साड़ी वेयर कर लिया जिसको कि मैं पहन करके जाऊंगी। मैं मम्मी भाभी ऑटो से जाएंगे, और अभी मैंने कॉम ये सब कुछ नहीं किया है, कर लेती हूँ धीरे धीरे। सारा कुछ, सारा प्रोसेस मैं दिखा रही हूँ मैं क्या क्या कर रही हूँ। अभी मैंने बैंगल्स ये सब निकाले हैं, अभी सारा बैंगल्स वेयर करूँगी। साड़ी के मैचिंग मैंने निकाल लिया है बैंगल्स ये सब, और ये रहा मेरा इयररिंग। मैं ऑनली इयररिंग्स वेयर कर ले रही हूँ। वैसे तो मैं यहाँ पर रहती हूँ तो यहाँ से कहीं पर भी गई नहीं हूँ घूमने के लिए, कहीं पर भी नहीं। और हमेशा एक जगह रहते रहते बोर होने लगता है, मन भी बहुत ज़्यादा तो लगता है थोड़ा कहीं घूम ले, और भगवान के दर्शन तो करने ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पर मैं साड़ी के अकॉर्डिंग चूड़ी निकाल ली हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है मंदिर में दर्शन करना, शांति मिलता, सुकून मिलता है पूजा करने से। ये सूर्य मंदिर है चेयरमैन रोड में, मेदिनी नगर, पलामू। जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड भी इधर ही रहती है, उसका घर मतलब इधर ही है, तो मैं उससे भी मिली थी 2 साल के बाद। एक जगह रह के भी 2 साल के बाद मैं अपनी फ्रेंड से मिली। मंदिर में, सूर्य मंदिर में कौन कौन सा मूर्ति है, कैसा मंदिर है, सारा कुछ मैं दिखाऊंगी इस वीडियो में। और यहाँ पे मैंने बैंगल्स वेयर कर लिए हैं। मैं अपने बालों को कॉम कर ले रही क्योंकि सारा मेरा उलझ गया एकदम। गीला बाल ऐसे ही होता है जब तक सूखेगा नहीं, लेकिन जाना था जल्दबाजी में तो फिर मैं ऐसे ही कॉम कर ले रही हूँ जल्दी जल्दी। मुझे तैयार होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पहले टाइम लगता था बट अब नहीं लगता, क्योंकि अपना जितना सिंपल रहो उतना अच्छा है।
गर्मी इतना है ना, इतना गर्मी लग रहा था, स्किन पूरा जल रहा है। हम लोग धूप में ही गए मंदिर घूमने, फिर वहाँ पे बहुत धूप था और वहाँ पे पूरा चारों तरफ बालू ही बालू है, मतलब पैर जल रहा था। खाली पैर तो कोई नहीं रह सकता वहाँ पे। संगमरमर का पूरा सीढ़ी ये सब बना है, सब पूरा इतना हीट हो गया था ना, चल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन यहाँ का मंदिर बहुत सुंदर है, सूर्य मंदिर वाइट कलर के संगमरमर से पूरा बना हुआ है। वहाँ पे सूर्य भगवान का मंदिर स्थापित है। अभी मैं अपना गोल्डन कलर का पायल वेयर कर ले रही हूँ, ये वाला थोड़ा ओल्ड लग रहा था तो इसको मैं खोल दे रही हूँ क्योंकि ये हो गया पुराना। और साड़ी के साथ ये मैचिंग नहीं कर रहा था। और आज मैं अपना न्यू फुटवियर पहन करके जाने वाली हूँ। ये देखो मेरा न्यू फुटवियर, ये मैंने ख़रीदा था 300 रुपीज़ में। मैंने लोकल मार्केट से ही ख़रीदा, ऑनलाइन नहीं ख़रीदा ये। मैं खुद से पहन करके देख रही थी मुझे बनता है या नहीं, क्योंकि ना मेरे पास वैसे फ़्लैट फुटवियर ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा फ़्लैट फुटवियर भी तो होना ज़रूरी है ना। और कहीं जाने के पहले मैं यहाँ पे क्रीम लगा ले रही हूँ अपने पैरों में, क्योंकि इतना धूप है तो मेरे पैर भी जल जाएंगे ना। हाथ में लगे ना लगे लेकिन पैर में लगाना ज़रूरी है। हाथ में चेहरा में लगे ना लगे पैर में लगाना ज़रूरी है मुझे, क्योंकि मैं हूँ कौन ये तो आपको पता ही है। तो चलो मैंने लगा लिया है क्रीम और मैं पहन लूँगी अपना फुटवियर, न्यू फुटवियर। बस मेरे पास जुत्ती है बट मैंने जुत्ती इसलिए नहीं पहना ना क्योंकि मेरे नेल्स हो गए हैं लंबे, और मैं पहन लूँगी जुत्ती तो वो सारा ना मुड़ जाएगा और दर्द देने लगेगा बहुत ही ज़्यादा। और वैसे तो अभी गर्मी का दिन है तो मुझे जुत्ती ही पहनना चाहिए ताकि सन से प्रोटेक्ट हो, बट क्या करें नेल्स के कारण मुझे ऐसा फुटवियर पहनना पड़ा। और ये न्यू ही है, आज के दिन इसका भी उद्घाटन हो गया मंदिर जाना है ना इसीलिए। वैसे ही फुटवियर मुझे बहुत सुंदर लगा, आज मैंने इसको फर्स्ट डे पहना है, बहुत अच्छा लग रहा था, कंफर्टेबल एकदम, बिल्कुल कंफर्टेबल, एकदम हल्का भी है। ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ, मतलब कोई कोई फुटवियर ऐसा होता ना कि थोड़ा सा हील्स होता है तो पहनने में दिक्कत होता है, लेकिन ये फुटवियर में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छा है ये फुटवियर, आरामदायक है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ओनली 300 रुपीज़ का है ये। मैं जाने के लिए रेडी हो गई हूँ और मैं अकेले तो जाऊँगी नहीं, मैं अकेले कहीं भी नहीं जाती हूँ, कहीं भी नहीं जाती हूँ अकेले। मैं निकल गई थी, मेरी मम्मी भाभी लोग भी आ रही थी, मैं क्योंकि अकेले जाती नहीं हूँ तो, और मेरे हस्बैंड मुझे कहीं लेकर नहीं जाते, तो फिर मैं मम्मी भाभी के साथ ही जा रही हूँ। यहाँ पर धूप बहुत ही ज़्यादा था, आप लोग देख ही सकते हैं, हालत ख़राब हो रहा था जाने में। हम लोग ऑटो से ही जा रहे थे सब कोई, ऑटो में जब बैठते ना हवा चलता है तो अच्छा लगता है। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं, ऑटो से, ऑटो वाला हम लोगों को यहाँ तक पहुँचा दिया था। ये है श्री सूर्य नारायण मंदिर हरिहर द्वार, वो द्वार था, और यहाँ से हम लोग इंटर करते हैं और ये हमारा सूर्य मंदिर है। दरवाज़ा चारों तरफ से है, सिर्फ बालू ही बालू है यहाँ पे पूरा। सामने बैठने वाला भी बनाया हुआ है, मंदिर में बहुत भीड़ भी हो जाता है संडे के दिन, बहुत कोई आते हैं यहाँ पे दिखवाने के लिए भी, यहाँ पे बहुत भीड़ रहता है, पंडित जी यहाँ पे देखते हैं, जैसे किसी को कुछ परेशानी है तो वो वहाँ पे जाते हैं, और जिसका जो मन्नत, जैसे कुछ मन्नत मांगना है तो यहाँ पे मांगने पे पूरा होता है बहुत ही जल्द। मंदिर काफ़ी खूबसूरत है, हम लोग अपने अपने पैर धो रहे थे, यहाँ पे मोटर भी लगा हुआ है, चापाकल भी है और मोटर भी लगा हुआ है, हम लोग यहीं पे पानी भर लिए पूजा करने के लिए।
मंदिर के पीछे में मोटर लगा हुआ है। और सबसे पहले पूजा करेंगे सूर्य भगवान जी का यहाँ पे। जिन लोगों का शादी ब्याह नहीं होता है वो लोग भी यहाँ आते हैं दिखवाने के लिए, पंडित जी उपाय बताते हैं। जिन लोगों का शादी नहीं होता है या फिर कुछ भी परेशानी है तो यहाँ पे पंडित जी निदान भी करते हैं, बहुत जल्दी यहाँ पे सुनते हैं सूर्य भगवान जी। यहाँ है सूर्य भगवान जी, आप लोग भी प्रणाम कर लो, दर्शन कर लो सूर्य भगवान जी का। मेरी फ्रेंड भी आई थी मुझसे मिलने, क्योंकि इसका घर यहीं पे है, तो इसको मैंने बोला था कि मैं आ रही हूँ सूर्य मंदिर, तो ये आ गई थी मुझसे मिलने के लिए। मेरी भाभी मम्मी सब कोई थी। और यहाँ पे है देवी मंडप। वो जो मंदिर था उसमें सिर्फ सूर्य भगवान का मंदिर है, और ये अलग से एक और मंदिर बना हुआ जिसमें केवल देवी माँ है, नवो देवी माँ। सूर्य मंदिर के चारों तरफ संगमरमर का सीढ़ी बना हुआ है और बहुत अच्छा अच्छा पौधा लगा हुआ है। छठ के टाइम पे बहुत अच्छे से सजाया जाता है इस मंदिर को। यहाँ देखिए पूरा ये ग्राउंड घूमने के लिए है, बहुत ही अच्छा। पेड़ ये सभी लगाया हुआ है। और ये सिर्फ शिवलिंग का यहाँ पे एक और अलग से मंदिर है। और यहाँ पे हम लोग को पानी लेने के लिए बार बार जाना नहीं पड़ा, यहीं पे बाल्टी में पानी रखा हुआ था तो पूजा करने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुआ। हम लोग घर से ही सारा कुछ लेकर के आए थे, बेलपत्र फूल और फल सारा कुछ, जो भी प्रसाद चढ़ाना था, सिंदूर रोड़ी अबीर सारा कुछ हम लोग घर से लेकर के आए थे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मिलता नहीं है। जैसे कि हम लोग कहीं पे भी मंदिर में जाते तो वहाँ नारियल ये सब सब कुछ मिलता है पूजा का सामान, बट यहाँ पे नहीं मिलता है। यहाँ पे पूजा करना है तो आपको घर से लेकर के आना पड़ेगा। यहाँ पे बच्चा लोग को खेलने के लिए भी बहुत ही अच्छा जगह है, सब कोई बच्चा लोग यहाँ पे आराम से खेलते हैं, क्योंकि अच्छा खासा जगह है यहाँ पे, ग्राउंड है बड़ा सा। बहुत ही अच्छा से मंदिर को बनाया गया है, बहुत ही सुंदर है। जो लोग दर्शन नहीं किए हैं वो ज़रूर दर्शन करने आए, और अपनी मनोकामना यहाँ पे आप जो भी मांगना चाहते वो मांग सकते हैं, वो ज़रूर पूरा होगा, सूर्य भगवान जी पूरा करेंगे। यहाँ आकर के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया है पूजा, और यहाँ का सूर्य मंदिर है बहुत ही सुंदर। मंदिर में ना ही आपको पूजा का सामग्री मिलेगा और ना ही कुछ खाने पीने का, तो आप व्यवस्था घर से करके लेके जाएं, खाने पीने का भी और पूजा सामग्री का भी, क्योंकि उधर से आने में लेट हो ही जाना है। तो मैं आते टाइम यहाँ पे आइसक्रीम खाते खाते आ रही हूँ, बहुत ही धूप था। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।